ओ हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश यादव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसे सेंटेंस, जैसे हम बोलते हैं इस तरीके से, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, है ना, इस तरीके से, यानी पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। जैसे आप कई बार ऐसे बोलते हैं, पहली नज़र में दिल दीवाना हो गया, पहली नज़र में दिल दीवाना हो गया, है ना, पहली नज़र में मैं अपना दिल दे बैठा, पहली नज़र में ही प्यार हो गया, पहली नज़र में मैंने उन्हें पसंद कर लिया, वो मेरे मन को भा गई। तो पहली नज़र में ही, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों, वाओ, एट फर्स्ट ग्लांस। एट फर्स्ट ग्लांस का मतलब होता है पहली नज़र में, पहली ही नज़र में। तो यहाँ पे देखिए, रेड कलर से मैंने लिखा और रेड कलर से इसको अंडरलाइन करें इसके हिंदी को, है ना। एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में, आई वेंट गागा ओवर हर, मैं उस पर फिदा हो गया, मैं उसे दिल दे बैठा। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे देख रहे हैं, वेंट गागा ओवर हर, ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया यूज़ है, ये एक फ्रेज वर्ड है, एक इडियम्स वर्ड है, जिसे कहते हैं गो गागा ओवर, है ना, ये बहुत ही अच्छा, ये डबल जी है, जी ए जी ए, गागा, ये बहुत ही अच्छा यूज़ है। और ये यूज़ किया गया था ऋतिक रोशन जी के लिए, यूज़ किया गया था, वहाँ पे लिखा था कि हिज फैंस वेंट गागा ओवर हिम, ओके, उसके जो उनके जो फैन हैं वो उन पर फिदा हो गए, वो मतलब उन पर दिल दे बैठे, यानी वो मोहित हो गए उन पर, यार क्या डांस करा उन्होंने, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेंटेंस है, एट फर्स्ट ग्लांस आई वेंट गागा ओवर हर, पहली नज़र में मैं उसे दिल दे बैठा, इस तरीके से। आई लाइक्ड श्वेता एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में श्वेता मेरे मन को भा गई, यानी पहली नज़र में श्वेता मेरे मन को भा गई। ये जो वर्ड है यहाँ पे, एट फर्स्ट ग्लांस, शुरू में लगाइए, एंड में लगाइए, कोई इशू नहीं, जहाँ चाहो वहाँ लगाइए और बोलिए, बस जैसे आपके मुँह से निकले पहली नज़र में, तो जैसे आपने बोलना है, आई लाइक्ड श्वेता एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में श्वेता मेरे मन को भा गई यार, इस तरीके से यूज़ करिए। देखिए, व्हाट मैजिक डिड यू डू एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। देखिए, व्हाट मैजिक डिड यू डू, यानी कैसा जादू कर दिया एट फर्स्ट क्लास, पहली नज़र में, जैसे मैंने अभी बोला था यार, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, इस तरीके से। तो व्हाट मैजिक डिड यू डू एट फर्स्ट क्लास, ऐसे, माई हार्ट हैज़ बिकम योर्स, तेरा बन बैठा मेरा जिया, मैंने पूरा गाना ही बना दिया कि पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा मेरा जिया, तो माई हार्ट हैज़ बिकम योर्स, इस तरीके से यूज़ कीजिएगा एट फर्स्ट क्लास, बहुत ही अच्छा यूज़ है यहाँ पे, एट फर्स्ट क्लास का यूज़ है यहाँ पे, आपने देखा एट फर्स्ट क्लास, तो प्लीज़ आप इसका यूज़ कीजिए अपनी इंग्लिश में। आप कैसे हैं ना कि यार, जैसे आप मान लीजिए किसी दुकान पे गए, यार जूते लेने, कपड़े लेने, वॉच लेने, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, तो आपने जैसे देखा, आपने बोला यार एट फर्स्ट ग्लांस आई लाइक्ड दिस वॉच, यार पहली नज़र में मुझे ना घड़ी अच्छी लगी यार, जैसे इस तरीके से, एट फर्स्ट ग्लांस आई लाइक्ड दिस मोबाइल फ़ोन, पहली नज़र में ना जैसे ही मैंने इसको देखा, जैसे आप बोलो ना, जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे फ़ोन पसंद आ गया, इस फ़ोन को देखते ही मुझे फ़ोन पसंद, यानी जैसी मेरी नज़र इस पर पड़ी और मुझे पसंद आ गया। तो आप इसे भी आप बोल सकते हैं कि एट फर्स्ट ग्लांस आई लाइक्ड हर, यानी जैसी मेरी उस पर नज़र पड़ी, यानी पहली नज़र में, यानी पहली नज़र जैसी मेरी उस पर पड़ी, मुझे मोह मन को भा गई। तो ऐसी जब भी आपको हिंदी बोलनी है यार, कि बस देखते ही यार, बस मुझे वो पसंद आ गई यार, एट फर्स्ट ग्लांस आई लाइक्ड हर, तो देखते ही यार, इस तरह, यानी पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई, इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा एट फर्स्ट ग्लांस का यूज़ कीजिएगा, ग्लांस, ओके, दैट्स वेरी नाइस यूज़, इसका यूज़ कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में, और देखिए अपनी इंग्लिश मस्त 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 होती चली जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू ना गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी, बाय।